हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन शॉपिंग ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। मैंने मीशो से कुछ साड़ियाँ परचेज की हैं, उसका रिव्यू मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने कुर्ता पहना है ये अमेज़ॉन से है। इसका हाउल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हमारी कलेक्शन की। आज की ये फर्स्ट साड़ी है, सॉरी, येल्लो कलर की साड़ी है और इसकी ये पिंक कलर की ऐसी बॉर्डर है और बीच में ये येलो कलर के। पूरी ही साड़ी सॉलिड है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वेडिंग टॉप के लिए, किसी की हल्दी के लिए पहनने के लिए बहुत ज़्यादा प्यारी साड़ी है। ये है साड़ी का पल्लू, इस पे इसी स्ट्रिप्ट वाली डिज़ाइन दी है, देख सकते हैं। पूरी साड़ी सेम है, कोई कंट्रास्ट नहीं, सिर्फ इसका ब्लाउज कंट्रास्ट है, ऐसे पिंक कलर का ब्लाउज आया इसके साथ। कॉटन सिल्क की ये साड़ी है, काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है, पहनने के बाद तो फूलने वाली बिल्कुल नहीं है। कुछ साड़ी ऐसी होती नहीं जो कि हम लोग पहनते हैं और ऐसी फूल जाती है, लेकिन ये साड़ी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हैं आप इसका कलर कितना प्यारा है और वेयर करने के बाद कैसी लगती है। ये सिर्फ इसे लिया है लेकिन फिर भी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। पहनने पर कैसी लगती है आप ट्रावल में देख सकते हैं। ये कुछ मुझे 300 रुपीज़ में मिली है साड़ी। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उसका कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ज़्यादा प्यारी साड़ी है, वेडिंग के हिसाब से, वेडिंग के जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं उसके लिए पहनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही नए वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। और आपको मेरा कलेक्शन कैसा लगता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करते जाइए। और आपके कोई प्रोडक्ट है जो आप चाहते हैं कि मैं उसका रिव्यू करूँ तो आप मुझे उसका कोड दे सकते हैं कमेंट करके, तो मैं आपके लिए उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। और हमारी नेक्स्ट साड़ी है ये रानी पिंक कलर की साड़ी है। इसमें बहुत तो और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है, और इस साड़ी में भी और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको जो पसंद आए वो आप परचेस कर सकते हैं। ये भी साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सना सिल्क का इसका फैब्रिक है। ये साड़ी भी पूरी सॉलिड है लेकिन बीच बीच में इस तरह की एम्ब्रॉयडरी की बूटियाँ दी हैं, स्काई ब्लू कलर की, जो पहनने पे बहुत अच्छी लगती है। आप देख पा रहे होंगे ट्राई ऑन में, ये भी साड़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी नहीं फूलती। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको साड़ी पहनना नहीं आता, तो आपके लिए ये साड़ी परफेक्ट है। पार्टी वेयर भी साड़ी है और वेडिंग के छोटे मोटे फंक्शन के लिए पहनने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको दिखा दूँ कैसी लगती है, देखिए कितनी अच्छी लग रही। आप इसे जैसे चाहे वैसे स्टाइल कर सकते हैं, कोई ज्वेलरी, बड़े बड़े झुमके, सिंपल सा लुक की बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इस साड़ी के साथ। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट साड़ी है, बिल्कुल भी फूलने वाली नहीं है ये साड़ी। इस साड़ी पे इस तरह की लेस दी है,
नीचे के बॉर्डर पे और पल्लू के साइड पे भी इस तरह की लेस दी है। बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है ये। कुछ मुझे 400 रुपीज़ में मिली है। इसका कोड भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये उसका ब्लाउज़ है, इसके साथ मुझे रिसीव हुआ था। मैंने इसे स्टिच करवा लिया, मैं खुद ही अपने ब्लाउज स्टिच करती हूँ। देख सकते हैं प्रिंसेस कट में मैंने इसे स्टिच किए हैं। सिंपल सा राउंड नेक रखा है मैंने कि ये साड़ी अच्छी है, सिंपल है। और ये नेवी ब्लू कलर का ब्लाउज़ है तो हमारी किसी और साड़ी पे भी जाता है, तो इसलिए मैंने इसे सिंपल से स्टिच किए हैं। देख सकते हैं आप। आपको ये ब्लाउज़ कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैंने खुद से स्टिच किए हैं। नेक्स्ट हमारी साड़ी है ये महाराष्ट्रियन खन साड़ी है। ये साड़ी मैंने बहुत पहले परचेज़ की थी। इसका हाउल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। मीशो के बहुत सारे हाउल वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। वो आपने नहीं देखे तो मैं मीशो के हाउल वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और मेरे और भी अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के हाउल वीडियोस आने वाले हैं, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ये है इस साड़ी का पल्लू, वाइन कलर की ये साड़ी है। उसके पल्लू पे ये प्यारे प्यारे टसल्स दिए हैं और ये इसका पल्लू है। बीच बीच में ऐसी स्ट्रिप्ट वाली डिज़ाइन दी है और ये इसकी बॉर्डर है, खन वाली बॉर्डर। पूरी साड़ी में इस तरह की बॉर्डर दी है। और इस साड़ी पे इस तरह की नथ वर्क दिए हैं। आप देख सकते हैं ये प्रिंट वाला नथ वर्क नहीं, ये धागे से बनाया हुआ नथ वर्क है, जो कि साड़ी का लुक और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। पहनने के बाद कैसी लगती है वो आप देख पा रहे होंगे ट्राई ऑन में। बहुत अच्छी साड़ी है ये भी। साड़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा सॉफ्ट साड़ी है। आप इसे वन टाइम ही अच्छे से ड्राप कर सकते हैं। इसकी प्लेट्स भी बहुत जल्दी बन जाती हैं, पल्लू प्लेट्स और साड़ी की प्लेट्स भी बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आप किसी फंक्शन में जाना है तो ये साड़ी आप फटाफट से पहन के जा सकते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगेंगी। इसमें भी और भी ज़्यादा कलर ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन मुझे ये वाइन कलर अच्छा लगा तो मैंने इसे परचेज कर लिया। इसके साथ आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन सकते हैं और आपको और कुछ स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं, बस सिंपल सा हेयर स्टाइल एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन के आप इसे वेयर कर सकते हैं। कैसी लगती है ये साड़ी आप देख पा रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यारा कलर है इस साड़ी का। बहुत ज़्यादा अच्छी है इस साड़ी की। पूरे ही नीचे वाली साइड पे इस तरह की बूटी और सॉरी नथ वर्क दिया है, जो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। पूरी सॉरी साड़ी में इस तरह की छोटी छोटी बूटियाँ हैं और ये कोई प्रिंट वाला खन नहीं है, ये ओरिजिनल खन साड़ी है। ये मुझे कुछ 750 रुपीज़ में मिली थी। अगर आपको पसंद आए तो इसका कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर से ज़रूर परचेज़ कीजिए। और ये इसका टकिंग पार्ट है जो कि प्लेन दिया है। ये 2 शेड में साड़ी लगती है, ब्लैक एंड वाइन कलर की। और ये है इसका ब्लाउज। ये ब्लाउज़ मैंने खुद स्टिच किया है,
एल्बो स्लीव्स मैंने इसकी बनाई है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे पर्सनली पसंद है इसलिए। और इसका नेक मैंने इस तरह से बनाए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लगते हैं। ये ब्लाउज आपको कैसा लगा और ये साड़ी कैसी लगी, प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। प्रिंसेस कट में मैंने इसे स्टिच किए हैं, मुझे स्टिचिंग इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन मैं अपनी ब्लाउज खुद से ही स्टिच करवाती हूँ। इसके साथ मैंने ये डोरी लगाई है, एडजस्टेबल डोरी, और ये लटकन मैंने खुद बनाए हैं। आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो ये था मेरा आज का पूरा कलेक्शन, आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइए।